हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम या अली मदद, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हज़रत इमाम जाफर सादिक डॉक्यूमेंट्री द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, मेहरबान अली सर की ये वीडियो है। एंड इनके बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम जानता हूँ मैं इनको। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम जो थे, इनके बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है, इसलिए मैंने कहा कि इनकी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिएक्शन करना बनता है प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। एंड आज इनकी शहादत का भी दिन है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इनकी डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिएक्शन बनता है। तो ठीक है, लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, इसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज चेक चेक कर लेना, मेहरबान अली सर का ये वीडियो है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehrban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Thabrezi. Thabrezi. ये जो जमीन जिस पे इंसान रहते हैं, इस जमीन पे अल्लाह ने हजारों ऐसे अपने नेक बंदे भेजे जिन्होंने इल्म, हिल्म और हिकमत से इंसान के नजदीक फहम की राह बख्शी। उनमें उस्तादों के उस्ताद, इमामों के इमाम, सखियों के सखी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपना एक ऐसा मुकाम रखते हैं जिसको पूरी दुनिया झुक के सलाम करती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आमद 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी बमुताबिक 20 अप्रैल 702 ईस्वी जुमेरात मदीने पाक में हुई। आपके वालिदे ग्रामी का नाम इमाम मोहम्मद बाकर, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते थे, और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम बीबी उम्मे फरवाह था। जब आपकी विलादत के दिन करीब आने लगे तो इमाम अली जैनुल आबदीन ने ये फरमाया कि अन करीब अल्लाह मुझे ऐसा पोता देगा जो लाखों लोगों को इल्म देगा और उसके इल्म से कयामत तक दुनिया फैज हासिल करेगी। बस जैसे ही आपकी आमद का दिन आ पहुंचा, आपका नुजूल हुआ, तो इमाम अली जैनुल आबदीन ने आपको गोद में उठाया और आपकी पेशानी को चूम के ये कहा कि कल अल्लाह के रसूल मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने फरमाया कि मैं अपने इस पोते का नाम जाफर रखूं, ऐसा दरिया ऐसी नदी जो सबको सैराब करती हो। आप बचपन से ही इल्म से मोहब्बत किया करते थे और अपने दादा अली जैनुल आबदीन के साथ बैठ के मुख्तलिफ उलूम के दर्स सुना करते थे। आपने बचपन से ही हर सवाल का जवाब कुरान की आयात से देना शुरू कर दिया। इमाम जैनुल आबदीन या इमाम मोहम्मद बाकर के पास जब कोई मसला आता था तो आपके बाबा और आपके दादा मुस्कुरा के कहा करते थे, इस छोटे से मसले को तुम हमारे छोटे से जाफर से पूछो। आपका जवाब हर इंसान की रूह तक पहुंच जाता था और आपकी इसी सिफत को देखते हुए लोगों में आपका लकब सादिक मशहूर होने लगा। उस दौर मस्जिद नबवी में आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम एक मदरसे का बुनियाद रख चुके थे, दुनियादार हुकूमत संभाल रहे थे और आले रसूल दीन के फराइज अंजाम दे रहे थे। आपकी उम्र मुबारक अभी 15 साल तक ही पहुंची थी कि इतनी देर में आपके दादा इमाम अली जैनुल आबदीन दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपके दादा की शहादत के बाद आपने उस मदरसे की जिम्मेदारियों में अपने आप को और भी मसरूफ कर दिया। आप दिन को हमेशा रोजे में रहा करते थे और कभी भी किसी ने आपको मसरूफियात के बगैर नहीं देखा। या दर्स देते थे, या लिखते थे, या पढ़ाते थे, या खुतबा देते थे, या बयान करते थे। जब तमाम शागिर्द मस्जिद नबवी से इल्म हासिल करके चले जाते थे तो आप सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। आपकी उम्र मुबारक अभी 31 साल ही तक पहुंची थी कि आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को अब्बासी खुल्फा ने शहीद कर दिया। अपने बाबा और अपने दादा की शहादत के बाद मदरसे की पूरी जिम्मेदारी आपके सर आ पड़ी। बस
सारा सारा दिन मुख्तलिफ उलूम पे आप दर्स दिया करते थे, यहाँ तक कि आपका मदरसा पूरे हिजाज में मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आते थे और मुख्तलिफ उलूम हासिल किया करते थे। आपके शागिर्दों में इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम आसिम, हजरत सुफियान सौरी, उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत बायजीद बस्तामी, हजरत हिशाम अल हकम, हजरत जाबिर बिन हय्यान और भी ऐसे ऐसे शागिर्द आपके यहाँ पढ़ते थे जिन्होंने आपसे पढ़ के जमाने को रोशन कर दिया। आप हजारों उलूम पे उबूर रखते थे। आपसे पहले इल्मे तिब, जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लोग ये समझते थे कि बीमार को देखना ये भी कोई इज्जत वाला काम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते थे, इंसान का इलाज करना एक अजीम इबादत है। आपने अपने मदरसे में मेडिकल साइंस की इस तरह से तालीम दी कि आज तक लोग मेडिकल साइंस पढ़कर डॉक्टर बनते हैं और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चल के हजारों बीमारियों का इलाज करते हैं। इमाम जाफर सादिक पहले वो शख्स थे जिन्होंने इंसानों के नज़दीक इस बात को वाज़ह किया कि जितनी चीज़ें मिट्टी में होती हैं उतनी ही चीज़ें इंसान के जिस्म में होती हैं। आपने फरमाया, इंसान के जिस्म में जो अनासिर पाए जाते हैं उनका तादाद बराबर नहीं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म के वजूद में चार चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी, फिर आठ उससे कुछ कम हैं और उसके बाद आठ और हैं जो इन आठ से भी कम हैं। 18वीं सदी से इंसान के जिस्म पे तहकीक की गई। 18वीं सदी में फ्रांस का एक डॉक्टर था जिसका नाम था मारा। इंसानी जिस्म पे सबसे पहले तहकीक उसने की। उसके नजदीक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये नजरिया था कि जो अंसर मिट्टी में है वही इंसानी जिस्म में। ये रिसर्च फ्रांस से होते होते ऑस्ट्रेलिया तक पहुँची और बिलाखिर 19वीं सदी में तमाम डॉक्टरों ने इस बात को तस्लीम किया कि इंसानी जिस्म में कुल 20 अनासिर मौजूद हैं, चार सबसे ज्यादा और उसके बाद आठ उन चार से कम और उसके बाद आठ जो उन आठ से भी कम। इंसानी जिस्म में वो जो चार अनासिर जो सबसे ज्यादा हैं, नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 नाइट्रोजन। और उसके मुकाबले में जो आठ चीजें कम हैं, नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 सोडियम, नंबर 3 पोटेशियम, नंबर 4 कैल्शियम, नंबर 5 फॉस्फोरस, नंबर 6 क्लोरीन, नंबर 7 सल्फर, नंबर 8 आयरन। और जो आठ इन आठ से भी कम हैं, नंबर 1 मोलिब्डेनम, नंबर 2 सिलीनियम, नंबर 3 फ्लोरीन, नंबर 4 कोबाल्ट, नंबर 5 मैग्नीज, नंबर 6 कॉपर, नंबर 7 आयोडीन, नंबर 8 जिंक। जब उन डॉक्टरों ने इस बात की तहकीक की तो वो दंग रह गए कि हमने इतनी रिसर्च के बाद जो चीजें आज जानी, लेकिन आज से 1400 साल पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पहले ही दुनिया को बता दी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन 20 अनासिर के उतार चढ़ाव से इंसान के वजूद में बीमारियां जन्म लेती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान की उम्र तवील रखी है लेकिन इंसान अपनी गिदा से अपनी उम्र को कम करते हैं। किसी ने कहा, ऐ नवाज़ा रसूल, वो कौन सा अमल है जिसको करने से उम्र कम होती है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोश्त ज्यादा खाने से उम्र कम होती है, खाना ज्यादा खाने से उम्र कम होती है। 18वीं सदी के फ्रांस के डॉक्टरों ने काफी रिसर्च के बाद इस बात को तस्लीम किया कि ज्यादा खाना इंसान की उम्र को कम करता है और उन्होंने मदीने की तरफ मुंह करके सलाम किया कि 1400 साल पहले इमाम जाफर सादिक ने अमराज की जड़ को पहचान लिया कि जैसे जैसे इंसान गोश्त ज्यादा ज्यादा खाता रहता है वो अपने हाथों से अपनी उम्र को कम करता रहता है। ये सोच इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दी कि मछली खाने के बाद दूध न पिया करो क्योंकि इससे जुजाम बीमारी होती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसानी जिस्म बीमार होने के चार अहम असबाब होते हैं। पहला, कि इंसान के वजूद में अनासिर ज्यादा और कम होने से इंसानी जिस्म बीमार होता है। दूसरा, गिज़ा गलत खाने से इंसान बीमार होता है। तीसरा,
हवा के जरिए से जो जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और इंसान बीमार होता है, और चौथा किसी बीमार इंसान के जिस्म से बाद मर्तबा ऐसी शुआएं निकलती हैं जो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म को बीमार करती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोशनी से शुआओं से इंसानी जिस्म बीमार भी हो सकते हैं और सेहत याफ्ता भी। उस दौर के लोग हैरान हो गए। चलो मान लिया, अनासिर ज्यादा कम होने से इंसान बीमार होता है मान लिया, कि खिजा गलत खाने से इंसान बीमार हो गया मान लिया, और जरासीम दाखिल होने से इंसान बीमार हो गया मान लिया, लेकिन किसी के जिस्म से शुआएं निकलती हैं और किसी को बीमार कर सकती हैं, ये कैसे हो सकता है? बिलाखिर 17वीं और 18वीं सदी के बीच में रूस का एक शहर है नोवो, उन्होंने इस बात पे रिसर्च की। मुसलसल 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि इमाम जाफर सादिक का नजरिया बिल्कुल सही है। बाज मर्तबा इंसान के जिस्म से कुछ अल्ट्रा वायलेट ऐसी रेजेज निकलती हैं जो सेहतमंद इंसान को भी बीमार कर देती हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। बीमार इंसान की शुआएं इन सेल्स पे असर करती हैं और यूं इंसान बीमार होने लगता है। और फिर अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया कि उन बीमारियों का पता लगाया जाए कि जो इंसान के जिस्म से निकली हुई शुआओं के सबब होती है। तो इस पे डॉक्टर जॉन मॉन्ट ने एक किताब लिख दी कि वाकई काफी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान के जिस्म की शुआएं भी सामने वाले सेहतमंद इंसान को बीमार करती है, जो आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने इंसानों को बता दिया। और इस नतीजे को बेस बना के उन्होंने रोशनी के वसीले से इंसानी जिस्म का इलाज करने की भी शुरुआत की, और वहीं से शुआओं से इलाज करना शुरू हो चुका। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई बीमारियां वजूद में आएंगी और इंसान की उम्र दिन ब दिन कम होने लगेगी। बुकरात, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसने ये तस्लीम किया कि नई नई बीमारियों का सबब माहौल की आलूदगी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूँ कि वो अपने बच्चों को दिल की तरफ सुलाए, इससे बच्चा कम बीमार होगा और सुकून की नींद सोएगा। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई जिसका नाम था कॉर्नल यूनिवर्सिटी। उसमें इस बात पे तहकीक हुई कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शीरख्वाह बच्चे को माँ की उल्टी तरफ सुलाने के लिए क्यों कहा था। बिलाखिर उन्हें जवाब मिल गया और उन्होंने भी मदीने की तरफ मुँह करके सलाम किया और कहा, ये बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन को महसूस करता है, और जब बाहर निकलता है तो उसको वो धड़कन महसूस नहीं होती, तो बेचैन रहता है। अगर बच्चे को माँ के दिल के करीब सुलाया जाए तो वो वही धड़कन जो उसे पेट में सुनाई देती थी उसे महसूस करेगा और इत्मीनान से सोएगा, और यूं बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा, सुकून की नींद पाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले अरस्तु की इस सोच को समझते थे कि ये दुनिया चार अनासिर पे मबनी है, मट्टी, पानी, हवा और आग। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। दुनिया जिसको अंसर समझती है, असल में ये अंसर नहीं बल्कि अनासिर का मजमुआ है। मट्टी में भी अनासिर है, हवा में भी अनासिर है, पानी में भी अनासिर है, आग में भी अनासिर है। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट जोसेफ ने इस बात को साबित किया कि उन्होंने सच कहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी में एक अंसर ऐसा है जिससे हम लोहे को भी पिघला सकते हैं। उस दौर के लोग हंसते रहे कि पानी से लोहा कैसे पिघलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, अगर पानी में से एक अंसर को निकाल दिया जाए तो पानी भी आग लगा सकता है। उस दौर के लोग हंसते रहे, लेकिन 1766 के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरा जिसका नाम था हेनरी कावेंडिश। उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कॉल को समझा और पानी पे रिसर्च की, और दुनिया के नजदीक ये बात रखी कि पानी में दो अनासिर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन से आग लग सकती है, चीजों को पिघलाया जा सकता है। उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके मुसलमानों के इमाम
जाफर सादिक को सलाम करके कहा कि जो उन्होंने कहा वो सच था। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम से पहले लोग ये समझा करते थे कि आंख से रोशनी निकलती है तभी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया आंखों से रोशनी निकलती नहीं बल्कि चीजों पे जो रोशनी लगती है उस रोशनी के अक्स को आंख महफूज करती है और उस वक्त वो अक्स उल्टा होता है। इंसान का दिमाग उस अक्स को सीधा करके दिखाता है। लोग इस बात का मजाक उड़ाते रहे लेकिन ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट रगन बिगन ने इस बात को तरजीह दी कि मुसलमानों के इमाम कहते थे कि आंख से रोशनी निकलती नहीं बल्कि आंख जो चीजों पे रोशनी पड़ती है उसका अक्स दिमाग तक पहुंचाती है। तो जब इस सोच पे काम किया गया तो 1608 में इस नजरिए को परखा और ये समझा कि अगर आंख और दूर की चीजों के बीच में कोई ऐसी चीज रखें जो दूर की चीजों और आंख के दरमियान रखने से दूर की चीजों पे पड़ती हुई शुआएं आंख तक वाजे हो तो ऐसे इंसानी आंख दूर की चीज करीब होते हुए देख सकती है। और बिलाखिर उन्होंने मंजिल पा ली और इस बात को तस्लीम किया। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया कि ये जो चांद इंसान इतना छोटा सा देखता है असल में ये एक छोटी सी दुनिया की मिसल है और इसमें अल्लाह ने पहाड़ तश्कील दिए। लोग उस वक्त मजाक उड़ाते थे लेकिन 7 जनवरी 1610 में गैलीलियो ने जब उसी दूरबीन से जो इमाम के अकवाल की रोशनी में बनाई गई थी चांद को देखा तो वो दंग रह गया और दुनिया को चीख चीख के बताने लगा कि मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने सच कहा था, ये चांद दूर से एक दुनिया लगती है और इसमें पहाड़ बसते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया ये जो सितारे जो तुम एक नुक्ते की तरह आसमानों पे देखते हो असल में इन सितारों में 12 सितारे ऐसे हैं जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं और उनके नजदीक हमारा सूरज एक बुझे हुए चराग की मिसल है। लोग हंसते रहे कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस बात पे जब मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे और उनके नजदीक इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम का ये कॉल आया तो उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप को वजूद दिया और 1963 ईस्वी के अंदर पहली मर्तबा ऐसे सितारे देखे गए जो हमारे सूरज से हजारों गुना बड़े हैं और उन तमाम साइंटिस्ट ने तस्लीम किया कि मुसलमानों का इमाम जाफर सादिक सच्चा है। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया जिस तरह दिन और रात होते हैं इसमें जमीन का घूमना है। लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया अगर जमीन घूमती तो हम गिर जाते लेकिन इस बात को तस्लीम किया गया कि जमीन घूमती है। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया कि जिस तरह हमारा सूरज और हमारी दुनिया है वैसे ही इन आसमानों में लाखों सूरज और एक एक सूरज की कई कई जमीनें हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे लेकिन 1970 में ये तस्लीम किया गया कि इमाम जाफर सादिक ने जो कहा वो सच है। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया कि कायनात की हर चीज हरकत करती है। लोगों ने उस दौर मजाक समझा कि पत्थर पड़ा है कैसे हरकत कर रहा है, ये चीजें रखी हुई हैं कैसे हरकत कर रही हैं। लेकिन जे जे थॉमसन नीम बोहर और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ दिया कि जो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया वो सच है। हर जानदार और बेजान चीजों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन हरकत करते हैं। इटिन कॉल पर 1972 में जब इसने हिब्रू यूनिवर्सिटी में तदरीस शुरू की तो इसने इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम के लिए ये कहा कि उन्होंने 400 ऐसे शागिर्द दुनिया को दिए जिन्होंने पूरी दुनिया में इल्म फैलाया। अगर वो 400 शागिर्द ना होते तो आज ये दुनिया इस जगह ना होती जिस जगह आज है। आपकी सखावत का आलम ये था कि खुद भूखे रह के दूसरों का पेट भरना आपकी आदत थी और आपके अखलाक का आलम यह था कि एक मर्तबा आपके घर में आपके कनीज के हाथों से आपका बच्चा गिर गया और वो गिर के मर गया। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम जैसे ही घर में दाखिल हुए उस कनीज ने इमाम के चेहरे को देखा। इमाम ने जैसे ही कनीज के चेहरे पे खौफ देखा फौरन कह दिया ऐ मेरी कनीज मैंने तुम्हें आजाद किया। कनीज कदमों में गिर के कहने लगी कि ऐ मेरे मौला मैंने आपका बच्चा मार दिया और आप मुझे आजाद कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया ऐ औरत याद रखना जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जो खौफ है उसका ये कफारा है कि तुम्हें आजाद किया जाए। जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूँ।
लोगों के दिलों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ने लगी। उस दौर दुनिया के तमाम आलिम से जब कोई पूछता था कि तुमने ये इल्म कहाँ से सीखा, तो सब ये कहते थे, हमने ये उलूम नवासाए रसूल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सीखे। आपके लिए हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द ना होता तो आज ये नौमान इमाम आजम ना होता। आपकी शोहरत तो इज्जत बढ़ते हुए देख के अब्बासी खुलफा और भी हसद करने लगे कि बादशाह हम हैं, हुकूमत हमारी है, लेकिन लोग इन फटे पुराने कपड़े पहनने वाले आले अली आले फातिमा की इज्जत क्यों किया करते हैं। तो बस यूं सादात पे खुल्लम खुल्ला जुल्म शुरू हो गया। सादात को कत्ल करने का सिलसिला कायम हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे पे पाबंदी लगा दी गई और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को खरीद किया गया। जहाँ जहाँ जो सैयद मिलता था उसका सर तन से जुदा होता था और यूं सैयद और सादात ने हिजाज छोड़ना शुरू कर दिया। कोई सिंध की तरफ रवा हुआ तो कोई खुरासान की तरफ, और वहाँ वक्त के बादशाह ने ये हुक्म नाफिज करवाया कि जो इमाम जाफर सादिक से मिलेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों से शरीयत मोहम्मदी में तरामीम की गई। तारीख ने लिख दिया कि उस दौर से पहले नमाज का तरीका एक था, ना कोई फिरका था ना कोई मसलक था। उस दौर के बाद कुछ लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मसलक और बताई हुई शरीयत के उसूल जो उन्होंने अपने नाना से सुने उन पे अमल करते थे, तो कुछ वक्त के बादशाह के जो दरबारी इमाम थे उनकी बताई हुई शरीयत पे अमल करते थे, और तभी से मसलक और फिरकों के बनने का आगाज हो गया। बाद मर्तबा मंसूर ने आपको कत्ल करवाना चाहा। एक मर्तबा उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपनी दरबार में तलब किया और सबसे कहा कि जब इमाम जाफर सादिक मेरे महल आए कोई उसकी ताजीम नहीं करेगा, कोई उसको सलाम नहीं करेगा, हम उसकी तौहीन करेंगे। लेकिन जैसे ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह के महल में दाखिल होते हैं, वो खुद अपनी जगह से उठ के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हाथ चूम कर अपने तख्त पे नवासाए रसूल इमाम जाफर सादिक को बिठाते हैं। जब हद से ज्यादा घबराहट मंसूर के वजूद पे हावी हुई तो उसने पानी तलब किया। मंसूर का गुलाम जब पानी लेके आया तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, रुको ऐ बादशाह कहलाने वाले, बताओ अगर तुम्हें फिल वक्त ये पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, मैं कैसे भी करके पानी हासिल करूँगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ अगर इस वक्त तुम इस पानी की कीमत लगाओ तो क्या कीमत लगाओगे। उसने कहा, मैं अपनी आधी दौलत देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इमाम ने कहा, पानी पी लो। उसने जैसे ही पानी पिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है बादशाह कहलाने वाले, बताओ अगर ये पानी जो तुमने अभी पिया तुम्हारे जिस्म से बाहर ना निकले और नासूर बनने लगे, बीमारियां होने लगे, तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, मैं किसी हकीम को बुलाऊंगा और कहूंगा मेरा इलाज कर। इमाम ने कहा, उसकी क्या कीमत लगाओगे। उसने कहा, मैं अपनी आधी दौलत दे दूंगा। इमाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ बादशाह कहलाने वाले, देख एक इंसान की औकात क्या है, तुम्हारी ये पूरी दौलत सिर्फ इस थोड़े से पानी जितनी है। तुमने आधी दौलत पानी पीने में खत्म कर दी और आधी दौलत पानी निकालने में। फिर भी तू तकब्बुर करता है, फिर भी तू अपने आप को बादशाह समझता है। तेरी कुदरत तेरे जिस्म पे नहीं और तू जमीन की बात करता है। इंसान के लिए बेहतर ये है कि वो अपने आप को हकीर समझे। जब बे इंतहा अब्बासी खुलफा जलने लगे तो उन्होंने इमाम को जहर दिलवाया। बाज मरतबा जहर देने के बाद बिलाखिर 15 शवाल 148 हिजरी बमुताबिक 14 दिसंबर 765 ईस्वी में अंगूर में जहर देने के सबब आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए, और इंसानों ने अपने हाथों से इल्म का ये दरवाजा भी अपने लिए बंद कर दिया, अपने लिए बंद कर दिया, अपने लिए बंद कर दिया। आज भी पूरी दुनिया उस रसूल अल्लाह के नवासे को दुनिया का सबसे अजीम साइंटिस्ट तस्लीम करती है। सलाम हो नवासाए रसूल इमामों के इमाम इमाम जाफर सादिक पर, इमाम जाफर सादिक पर।
जाफर सादिक पर। That's it. यार लाखों सलाम हो यार इनके ऊपर, लाखों सलाम हो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के ऊपर में। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड कैसे, लिटरली आज जितने भी फील्ड में जो इल्म के इस्तेमाल से लाइक जो लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे मेडिकल के फील्ड हो या फिर जितनी भी ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है ना, लाइक ये सब फील्डों में इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के तरीके से वर्क करा जा रहा है। उन्होंने लाइक बहुत सालों पहले ये सब चीज़ों के बारे में लिख दिया है, कह दिया है कि ये सब होता है इनकी इंसानों की बॉडीज़ में या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स है ना, लिटरली ये सब पहले से उन्होंने कह दिया है। जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर यकीन ही नहीं होता है लिटरली यार, कि जो चीज़ें आज अपन स्कूल में सीख रहे हैं, कॉलेजेस में सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें एक तरह से लाइक ये सब पूरा जो इल्म है, जो नॉलेज है, एक तरह से इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम का दिया हुआ है। लाइक उन्होंने एक तरह से इस चीज़ के बारे में पहले से ही सीखा एंड साथ साथ जितने भी उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, उनको सिखाया एंड उनके ज़रिए ही ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, फैला। उस टाइम के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उनका कि ये सब चीज़ें नकली है, फेक है, कुछ होता नहीं है। लेकिन आगे चल के लाइक साइंटिस्टों ने उस चीज़ को प्रूव करा कि जो इन्होंने पहले कहा था इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने, ये सब चीज़ें रियल थी, असलियत में थी। जो अभी इनको समझ में आ रहा है वो पहले से उन्होंने वो करके चले गए, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम, जो उन्होंने लाइक लोगों को सिखाया, जो बताया मेडिकल साइंसेस के बारे में, जितने भी अलग अलग फील्ड है, हॉरोस्कोप देखना हो गया या फिर वो पाल्मिस्ट्री कहते हैं, हाथ पढ़ना हो गया, जितनी भी अब चीज़ें ना, सब कुछ वो पहले से इतने से लाइक इन्वेंट करके जा चुके हैं, लोगों को सिखा के जा चुके हैं। ये सब चीज़ें आज पूरी दुनिया लाइक इस पर अमल कर रही है, सीख रही है, बहुत पहले से ये सब हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल मुझे बीच में यकीन नहीं होता, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था लिटरली कि इसके पीछे इतना बड़ा रीज़न होगा, बहुत पहले से ये सब एक तरह से लाइक सिखाया गया है, ठीक है। तो लास्ट में दिखाया इनकी शहादत हो जाती है 15 शवाल को, जो उस वक्त के दौर के इनकी हुकूमत थी, कौन थे वो, अब्बास खुलफा नाम था उनका मेरे ख्याल से, उनकी हुकूमत में इनको मार दिया गया, जहर दिया गया, अंगूर में जहर मिला के दिया गया। कहना पड़ेगा यार ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, बहुत नॉलेजेबल, बहुत इल्म थी इनको, कहना पड़ेगा इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम को। एंड अच्छा हुआ इन्होंने लाइक अपने शागिर्दों को सिखाया, तो मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं सिखाते ना आज, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आजकल वर्ल्ड में अपन देख रहे हैं, मेडिकल साइंसेस वगैरह, ये सब बहुत पीछे होती मेरे ख्याल से, या फिर होती ही नहीं कह सकते, सच बता रहा हूँ, ये तो होती ही नहीं। सलाम हो, लाखों सलाम हो उनके ऊपर, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के ऊपर, जिनकी आज शहादत है, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो थी, प्रॉपर प्रूफ के साथ मेहरबान अली सर ने इस वीडियो को बनाया, तो बहुत अच्छी वीडियो थी कहना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह दिखाए इसके अंदर में, प्रॉपर प्रूफ दिखाया है कि भाई जो आप आज सीख रही हो सब चीज़ें, बहुत पहले एक तरह से लाइक इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने अपने शागिर्दों को सिखाया, उन्हीं के चलते आज आप सब चीज़ें सीख रहे हो, तो सलाम उनके ऊपर बनता ही बनता है, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के ऊपर में, उन्हीं के कारण आज अपनी मेडिकल साइंस इतनी ऊपर है कह सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी, मुझे बहुत पसंद आया वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस। सलाम हो नवासाए रसूल इमामों के इमाम, इमाम जाफर सादिक पर, इमाम जाफर सादिक पर, इमाम जाफर सादिक पर।